राज्यसभा में मंगलवार को 500 के नए नोट को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने 500 के नोटों की फोटोकॉपी दिखाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि देश में एक बड़ा घोटाला चल रहा है, एक ही नंबर के दो नोट चल रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के नोट छाप रही है, एक पार्टी के लिए और एक सरकार के लिए। सुनो तो सही सर, 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 नो नो, सर, अंडर व्हाट रूल सर, जस्ट हियर मी, जस्ट हियर मी, जस्ट हियर मी, नो नो नो, जस्ट हियर मी, ही इज आस्किंग अंडर व्हाट रूल, अंडर व्हाट रूल, मिनिस्टर इज आस्किंग अंडर व्हाट रूल, लेट हिम एक्सप्लेन दैट, सर, नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो किस्म के नोट छपती है, सो व्हाट, छपाती है डिफरेंट डिफरेंट साइज के, सो व्हाट, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइन के, हाउ कैन बी डिजाइन ऑन लाइक दैट के सर, हाउ इज द पॉइंट ऑफ, या या दैट इज द करेक्ट पॉइंट, दोनों नोट, हाउ इज कैन बी द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यू आर टू फॉलो द रूल, दिस इज मिसयूज ऑफ ऑर्डर, सदन के पटल पे रखे हैं ना कपिल सिब्बल जी, ब्रिंग अ सब्सटेंटिव मोशन, ऑथेंटिकेट किया है मैंने, अच्छा ठीक है, ऑथेंटिकेट किया है, कपिल सदन के पटल पे रखे हैं और दोनों नोट के साइज डिफरेंट है, देखिए आरबीआई आज हमें पता चला है सर, वी हैव अ डिफरेंट इशू, आज पता चला है कि ऐसा हुआ है, दैट इज दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो दैट इज अ डिफरेंट इशू, इट शुड नॉट बी अलाउड, जो नोट भाजपा के कार्यकर्ता के पास, दैट इज इलेक्शन के दौरान है, वो यही नोट है जो आरबीआई छापती है, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एन इशू फॉर अ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम बताते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता में 5 मिनट के लिए रहने के लायक नहीं है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है कि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट ही एक दो किस्म के हजार के नोट, दो किस्म के 500 के नोट, एक पार्टी चलाए और एक सरकार चलाए, सिब्बल का साथ देते हुए टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राहम ने 500 के दो नोट दिखाते हुए सरकार पर सवाल उठाए तो संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डेरेक ओब्राहम पर सवाल खड़े करते हुए पूछ लिया कि वो इतने पुराने नोट ला कहां से रहे हैं। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है,
ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है कि गवर्नमेंट ही दो सेंचुरी का सबसे बड़ा किस्म के नोट गुरु के सरकार में क्या दो किस्म के नोट छह नोट और नोट विश्व में नोट प्लीज नोट अपॉन ये आई वांट टू अंडरस्टैंड इसीलिए हम समझते थे कि यहाँ क्या बस है हजारों करोड़ रुपए आता है आपको इलेक्शन लड़ाने के लिए करने के लिए आपकी पार्टी क्या किस्म के नोट छापते हो आप दो किस्म के नोट छापते हो आपकी पार्टी अरे आपके मालूम नहीं होगा आपको बचाती रही है आपके मालूम नहीं होगा दो किस्म के राज देश हमने हुकूमत की हमने दो किस्म के नोट नहीं छापे एक पार्टी के लिए और सरकार के लिए नो प्लीज मालूम हो गया अब मालूम हो गया पैरेलल इकॉनमी क्या चलती है ये पैरेलल इकॉनमी चलती है प्लीज एक दो किस्म के हजार के नोट दो किस्म के 500 के नोट एक पार्टी चलाए और एक सरकार चलाए पार्टी में भी आप करिए सत्ता में रहने का हक नहीं है पांच मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है जो सरकार है आप रोज हारते हैं राज्यसभा में हंगामे के बाद कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश को इसका सच पता लगना चाहिए अगर आरबीआई को इस बात की जानकारी है कि देश में एक ही नंबर के दो नोट हैं तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं किया है न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट